माया कह रही है कि मम्मा मोटी है, ये लीजा, ये अन्नु, ये है लड्डू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक होगा। सब लोग को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग। तो दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो में जो पहली बार जो आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो यार चैनल को, और उससे हमें मोटिवेट मिलता है। और जब तक मेरी बड़ी फैमिली मिलेगी तो मैं अपने नए नए वीडियो कैसे लेके आऊंगा। ठीक है, ये तो रही आज सब्सक्राइबर की बात। आज मान्या का लास्ट एग्जाम है और आज वो बहुत खुश है, और उसके लिए मैंने बहुत कुछ लेके आया हूँ क्योंकि उसको छुट्टी में बहुत कुछ करना है ना। तो गाइस देखो, माने के लिए मैंने कल कलर देखा है, उसे कलर करने का बहुत शौक है। ड्राइंग बुक लेके आया हूँ, कल उसने एक ये कुछ बनाया भी था, पता नहीं क्या बनाया है, नहीं समझ में आया मेरे को। ये हाँ, ये शायद रास्ता है, ये घर है, ये पहाड़ है, यहाँ पे दिखाता हूँ देखो। और ये कुछ से, ये कौन है, मानिया है ना? हाँ, ये मानिया है। तो कल इसके लिए ये कलर और ये लेके आया हूँ, और कल इसके लिए ना एग्जाम बोर्ड भी लेके आया, उसके अंदर रखा हुआ है। और मानिया देखो आज तैयार हो गई है। मानिया आज बहुत खुश है कि आज मेरा लास्ट एग्जाम ना मानिया, उसके बाद क्या करोगे? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। तो मानिया जा रही दादी के यहाँ छुट्टी में, और मैं और मानिया ही जाएंगे, तो वो अभी जाने का टाइम है। कीर्ति कहाँ है? कीर्ति के साथ मिलते हैं। कीर्ति देखो ये खाना रेडी कर रही है। हाँ देखो, माने के लिए खाना रेडी कर रही है। मैं सब्जी भी फिर से आज लेके आ गया हूँ। ये है धनिया मिर्ची, ये है मशरूम, और ये पालक, और ये मानिया के लिए पपाया। और हाँ, एक चीज और, मैं अब 10 मार्च को मैं यहाँ से निकलूंगा उत्तराखंड के लिए, उसमें मैं और मानिया ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे आपको कुछ नई चीज दिखाते हैं, देखते हैं कैसा वो एक्सपीरियंस। हम लोग फर्स्ट टाइम में ऐसा होगा कि मैं और मानिया घर के लिए जाएंगे, उससे पहले कभी मानिया कीर्ति के बिना कभी नहीं गई है, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा मानिया को लेके जाने का, तो देखते हैं कैसा रहेगा। तो अभी तो वैसे 8 तारीख को होली है, तो पहले हम लोग होली मनाएंगे, और वैसे हम जाने वाले तो होली के टाइम पर, ट्रेन हमारे 7 तारीख की थी। अगर हम 7 तारीख को जाते हैं यहाँ पे ना 7 मार्च को, तो हम लोग 8 मार्च को हम लोग ट्रेन में ही होते, तो हमारी होली ट्रेन में ही मन जाती। तो हमने सोचा हम लोग कि वो होली कीर्ति के साथ ही मना के जाते हैं, तो हम लोग कीर्ति के साथ पहले होली मना लेंगे, उसके बाद हम 10 तारीख को निकल जाएंगे। हेलो दोस्तों, बहुत इंजॉय करूंगी, ये 8:25 टाइम हो चुका है, और मानिया का जाने का भी टाइम हो गया है। मानिया भी रेडी हो चुकी है, बस शूज और सॉक्स पहनने के और बचे हैं, और बाकी लंच उन सबको तैयार हो गया है, और आज इसका लास्ट एग्जाम है। नहीं होगी तैयार, क्या करके देखोगे हैंकी बैग में? थ्री हैंकी क्या करोगे बेटा, 2 हैंकी से पूरा हो जाएगा। देखो रखे हैं आपके ना, चलो गो, लेट हो रहा है। अब तो नोजी आती नहीं है आपको, चलो गो 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 गो, चले 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 चले, फटाफट फटाफट, मम्मा को बाय कर देना, बाय मम्मा, चलो 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 चलो, ओके अच्छे सब जन। हाँ घड़ी नहीं, घड़ी नहीं देगा फोन। हाँ हाँ ठीक है, घर जाके ले जाऊंगा, चलो ठीक है, बाय, मतलब ऑल द बेस्ट बेटा। तो मैं मानिया को छोड़ के आ गया स्कूल से, और मानिया अभी एग्जाम देगी, उसको 11:30 बजे ले जाऊंगा उसको। और अभी हम लोग भी खाना वाना खाएंगे, कीर्ति अभी गई नहाने के लिए क्योंकि अभी उसको ऑफिस भी जाना है, और मानिया बहुत खुश है, मैं बता नहीं सकता कि उसका लास्ट एग्जाम है, उसके बाद बोले कि मेरी छुट्टी है, मैं बहुत सारे इन्जॉय करूँगी, और मैं दादी के यहाँ भी जाऊँगी। दादी के यहाँ भी जाने का एक रीजन है जाने का, मैं आपको बात है बताऊँ कि क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा काम भी है, मानिया को लेके ही जाना है मेरे को, क्लोजिंग है तो जा नहीं सकती, तो कीर्ति को छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए कीर्ति नहीं जा रही है। तो मैं सोचा अभी मार्च में उसको छुट्टी पड़ेंगे, चलो उसको ही घुमा के हम लोग दो लोग ही घूम के आ जाते हैं, और ये फर्स्ट टाइम है हमारा, मतलब दो लोग जाएंगे, तो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस मेरा जाने का उसके साथ में। और मेरे को थोड़ा ये है कि ना वो छोटी अभी 5 साल की नहीं हुई है, तो उसको थोड़ा ट्रेन में छोड़ना, मैं जाऊँ कभी टॉयलेट के लिए, तो थोड़ा उसमें थोड़ा डर लगता है, फिर भी देखते मैनेज करेंगे कैसा होता है। तो फाइनली मेरी जान आ गई है रेडी होने के लिए, और उसका मेकअप कर देखो कितना सारा है, और देखो क्या क्या सारा इसमें सामान रख रखा है, ये तो कुछ तो इसमें बहुत सारे बेकाम के काम रखे हुए हैं, देखो सामान रखा है, बेकाम का सामान रखा है, देखो ये देखो ये क्या है, ये मेकअप किट में ये कपर्स क्या कर रही है, ये क्या है ये, फटाफट तैयार हो लो और फटाफट खाना खिला दो, भूख लग रही बहुत जोर से। तो गाइस देखो इसका मुझे सामान, मेकअप का सामान, और ये तैयार हो रही है, और फटाफट तैयार हो रही है, उसके बोले हम खाना वाना खाते हैं,
और देखते हैं या फिर रोटी भी गर्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसको फिर लेट होता है। तो हर पति अपने पत्नी के लिए करता है, मैं भी करता हूँ और करना भी चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। गैस मैंने ऑन कर दी है और ऊपर तवा रख दिया है, ये गर्म होने वाला है। और रोटी कहाँ है? अरे देखो कितनी सारी रोटी है यार, ये तुम एक दिन पहले बना लेते सर रोटी, कि सुबह ना बनाना पड़े। देखो मैं से बोली, मैंने खुद खाना नहीं खाया हूँ, देखो मेरा नाम लगा रही, इतना सारा खुद बना दे तो मैं यार इंसान हूँ, कोई जानवर को ना हूँ, एक उसके हिसाब से तो खाऊंगा। ये क्या घी? वाओ, कल का घी कल निकाला घी से ने। और रोटी देखो घी लग के अब रोटी तैयार हो जाएगी। और वैसे कहते हैं ना रोटी अगर बासी खाओ तो उसका बातें लग होती, गर्म करके खाते हैं तो ना कीर्ति बहुत। हाँ मुझे भी बहुत पसंद, अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा बना लेती है, मुझे पता है। और ताकि तो सुबह भी ज्यादा बनाने को ना पड़े इसलिए, और ये सुबह शाम को ही बना लेती है। तो अभी खाते हैं खाना, भिंडी की सब्जी, दाल और ये एप्पल और रोटी आ गई है खाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कीर्ति भी आगे अपना खाना लेके अभी खाना खा रही है। कीर्ति कैसा लग रहा है खाना? हाँ मजा आ रहा है ना खाते हुए। इसी बात में खाना खा लेते हैं, अभी मैं भी खाना खा रहा हूँ और पानी पी के मेरा भी ना गले में फंस रहा है खाना, थोड़ा मेरा भी इतना खाना बचा खाने के लिए और कीर्ति का हो भी गया। और अब ये जा रही है अपने ऑफिस क्योंकि उसको हो रहा है लेट। तो लड़के देखा कितना बांध के जाती हैं। ठीक है फिर बाय बाय। तो मेरा भी खाना हो गया है और मैंने भी खाना खा लिया है, माने तो वो कीर्ति तो चले गई अपने ऑफिस के लिए। भी ये इतने सारे बर्तन धुलने के लिए मैं धो देता हूँ, क्योंकि ऐसे पड़े हुए मजा नहीं आता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं धो देता हूँ। फिर उसके बाद अभी फ्री हो जाएंगे और खाना वाना सब हो गया है, तो बस थोड़े से बर्तन को धो के फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो फाइनली मैंने बर्तन धुल लिए हैं और मैं हो गया हूँ 1.5 घंटे के लिए खाली, क्योंकि मानी अभी 11 बजे के 11:15 बजे के टाइम आती है, तो उसको थोड़ी देर में ले आऊंगा। अभी 1.5 घंटे के लिए मैं फ्री हूँ, तो मैं अभी इस टाइम पे क्या करूँगा, इस टाइम पे मैं अभी अपने वीडियो थोड़ा एडिट कर लेता हूँ और थोड़ा काम कर लूंगा, यही मेरे पास थोड़ा टाइम होता है दिन के लिए। उसके बाद फिर माने जाके फिर तो कहाँ मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से खेलना वेलना भी रहता है और फिर मेरे को छोड़ती नहीं है फ्री। तो फाइनली हम लोग अभी स्कूल से आ गए हैं, मानिया आ गई स्कूल से और माने का आज एग्जाम खत्म है ना मानिया? हाँ, खत्म हो गई। तो अब क्या करोगे? अब छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई, अब क्या करोगे छुट्टी में? छुट्टी में हाँ ये। क्या ये? अरे हाँ मैं छुट्टी में ये करूँगी पापा। हाँ। मैं होली बनाऊंगी। होली बनाओगे? सबसे पहले आके अपने बाल बना रही है। इसको तैयार होने का बहुत शौक है। देखो 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 अभी स्कूल से आ नहीं पाई हो, सबसे पहले अपने बाल बनाने लगी ना। तो क्या करूं? क्या करूं? अभी पढ़ाई करना, ठीक है ओके। तो मैंने अब दे दिया मानिया को खाना, क्योंकि 1 बजने वाला है, मतलब 12:30 बज चुके हैं। और अभी दाल चावल भिंडी की सब्जी और वो खा रही है, और इसको भिंडी बहुत पसंद है ना मानिया, भिंडी पसंद है आपको ना, और दाल चावल पसंद है, तो मैंने दाल चावल भिंडी दे दी है। और देखो अपने आप से बाल बनाए, पीछे करने वाले बाल स्टाइल निकाले हैं, और इसके बाल कैसे देखो गैस पीछे तक खड़े हो जाते हैं। देखो मानिया की ड्राइंग शुरू हो गई है, और मानिया की ये कलर जो कल लेके आए थे, मैं ये देखो, और ये कलर बुक लेके आया था, तो देखो अब फिर से इसने बनाना शुरू कर दिया, इसको बहुत पसंद है ये सब आर्ट बनाना, ड्राइंग बनाना। ये देखो ये घर है, ये इतना बड़ा, ये सब पहाड़ है, ये सूरज निकल रहा है सन, और ये रास्ता है ना मानिया, यहाँ से ये रास्ता है, ये ट्री है, ये गाड़ी की चलने वाली, और ये क्या है, ये मैं, और ये क्या है, मम्मा इतनी छोटी, छोटी नहीं अच्छा बन रहा है अभी, अच्छा ठीक है बनाओ तो बनाओ, चलिए कंप्लीट करो। मानिया कह रही है कि मम्मा मोटी है और इसको मोटे लोग अच्छे लगते, पर मम्मा इसको अच्छी नहीं लगती ना मानिया, मम्मा अच्छी नहीं लगती है, आपको मोटे लोग अच्छे नहीं लगते ना, मम्मा से बात नहीं करो। हैं मम्मा बात नहीं करेगी, नहीं करेगी मानिया से, हैं मानिया को मोटे लोग अच्छे नहीं लगते ना। अच्छा तो मम्मा, लेकिन मम्मा अच्छी लगती है आपको? नहीं रोया, ये तो खा रही है। तो 3 बजने वाले हैं और कीर्ति आई थी लंच करने के लिए, अब थोड़ी देर में कीर्ति चली जाएगी क्योंकि ऑफिस पास में ही ना, तो एक खाना अपना लंच करने के लिए आ जाती है ना कीर्ति। क्या खाया आज खाने में फिर से? जो सुबह खाया है, मैंने सोचा कुछ बदले खाया होगा। अच्छा, आप बनाए नहीं कुछ स्पेशल? मैं बनाऊंगा, अब मेरा यही काम बचा बनाने का। अच्छा शाम को, अच्छा शाम को क्या खिलाओगे ये तो बताओ। देखते हैं। क्या केक? केक किस बात में? चॉकलेट केक किस बात में? नहीं किस बात के लिए? मम्मा मोटी इसलिए, मोटी इसलिए केक कोई खाता है फोटो में?
तो 5 बज चुके हैं और मानी अभी सो रही है, उसकी अभी नींद डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि उसकी अभी मम्मी भी नहीं आई है। तो गाइज ये है हमारे लैंडलॉर्ड के बच्चे, ये लीजा, ये अन्नू, ये है लड्डू, इसका नाम क्या है सृजेश, इसका नाम सृजेश। ये है KG 2 में, कौन सी क्लास में हो? क्लास 3। और क्लास 2। अब क्लास 3 में जाएंगे, क्लास 4 में हो और 1 में ना। तो 5:30 बज चुके हैं और कीर्ति अब ऑफिस से आ गई है, 4 बजे का ऑफिस है, 1.5 घंटे लेट आई है, कोई बात नहीं, चलते ऑफिस में ना कीर्ति। पर हमको बहुत बेकार लगता है यार, और नहीं तो क्या, इतना टाइम क्यों, हम इंतजार नहीं करते हैं क्या? नहीं संडे तो क्या ऑफिस को टाइम दे दोगे? इसी के साथ हम अपना व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।